Now, very good morning students. I am Pradeep Singh, PAP of Suraj Education Group. Today we discuss about some important integrals formulas. The basic formulas we have given taught by the lesson sir in your last video, जिसमें हमने सारे important formulas किए थे. अब आपके पास important integrals 7 formulas हैं. कितने आपके पास 7 standard formulas हैं. ये formulas आपके पास जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आपके पास क्या क्या इम्पोर्टेंट वैल्यूज डालते हैं. देखिए तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डेरिवेटिव. किसका आपके पास इंटीग्रेशन है? यहाँ सिंपली आप बोल सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ये हमने ए को आप कॉन्स्टेंट के रूप में भी डील कर सकते हैं. ये फॉर्मूला आपके पास किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए सी इज योर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ये आपके पास देखो दूसरा आपके पास टिपिकल बन जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी. थर्ड आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. ये भी लॉग ऑफ आपके पास एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी. ठीक है, अंडर रूट ऑलमोस्ट आपके पास एक और फोर्थ फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू या आपके पास एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ये 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लगता है. देन आपके पास बेसिकली चार फॉर्मूले आपके पास अंडर रूट के. उसके बाद जैसे जो बेसिक से हमारा शुरुआत होता है जो तीन फॉर्मूले आपके पास बेसिक है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये कहेगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. उसके बाद आपके पास क्या है इंटीग्रेशन आपके पास डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ये क्या है आपके पास 1 बाई टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी. उसके बाद अगर हम सेवन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं ये क्या है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. तो 1 बाई टू ए लॉग ऑफ आपके पास x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस सी. तो ये बेसिक मैंने अंडर रूट को क्यों बताया क्योंकि ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पास फॉर्मूले रहते हैं. तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास यहाँ है और आपके पास ये जो आपके पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स का आल्सो इंपॉर्टेंस रखता है. हर वैल्यूज को हम सिंपली फॉर्म में ब्रेक करेंगे उन ब्रेक के बाद हम अपने फॉर्मूलेज में पुट करेंगे. तो ये सब देखिए आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में किस प्रकार से कराता हूँ. फॉर्मूला याद करने का एक लॉजिक बन सकता है आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. ए स्क्वेयर को 1 रखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास टेन इनवर्स होता है. ठीक है एक्स बाई ए 1 बाई ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स होता है. तो ये आपके पास सिंपल. अब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स ये आपके पास सिंपल है अंडर रूट के अंदर इसको छोड़ के बाकी दोनों में एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर जो भी वैल्यू आएगी एज इट इज. ये आपके पास x into x square minus 1 secant inverse होता है तो 1 by a secant inverse x by हमने रखा और dx 1 plus x square tan inverse का है. a square minus x square थोड़ा है याद रखना है कोई constant value minus x का square हो तो a plus x divided by a minus x 1 by 2 a log आपके पास as it is आएगा. x square minus a square होता है ये 1 by 2 a log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी. हर टाइप के इक्वेशन को कराता हूं थोड़ा ध्यान से देखना. अब यहां देखिए आपके पास जो फर्स्ट टाइम है यहां से मैं क्लियर करता हूं. तीन आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए. तो देखिए बच्चों यहाँ आपके पास क्या है सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 9. अब मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ मुझे ये वैल्यू कंप्लीट का स्क्वेयर चाहिए. कंप्लीट सिंगल डिजिट वैल्यू एक्स हो सकती है ये 9 है
9 को हम सिंगलटन वैल्यू को याद लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने देखा x का स्क्वायर और ये आपके पास a का स्क्वायर है, किसका है a का स्क्वायर, तो आपको पता है 1 बाई आपके पास क्या बनता है फॉर्मूला 1 बाई 2a log of x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आपके पास रिजल्ट आता है। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 3, तो 1 बाई 2 इंटू 3 log of x as it is 3x माइनस 3x प्लस 3 प्लस आपके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट c 2 इंटू 3 आपके पास क्या है सिंपल रिजल्ट, तो 1 मार्क्स में आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज का रिजल्ट ही आया। अब थोड़ा है इसको डिफिकल्ट केस मानते हैं, डिफिकल्ट में कैसे आपके पास क्या है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 32। अब बेटा सुनिए याद रखिए, यहाँ हमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना होता है, तो यहाँ जिस भी वैल्यू के साथ मेरा मल्टीप्लाई है उस कंप्लीट वैल्यू से हम सारे रिजल्ट को डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि मुझे x स्क्वायर को फ्री करना है जिस कांस्टेंट से उसकी मल्टीप्लाई है। अब 2 को हम अलग से 2 के नीचे रखेंगे और ये जो dx बाई आपके पास 2 आया है ये आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में बाहर dx डिवाइड बाई यहां आपके पास क्या बनेगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 32 इज डिवाइड बाई 2, 2 से आपका 2 कैंसिल, यहाँ आपके पास ये रिजल्ट किसके ऊपर आ रहा है आपका 16, किसका आ रहा है 16। अब आपके पास क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट 1 बाई 2 dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 16, 16 इज फॉरवर्ड स्क्वायर, मुझे तो 16 नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, किसका स्क्वायर है ये आपके पास 4 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां से मुझे ध्यान आ रहा है tan इनवर्स का, तो ये फार्मूला बनता है 1 बाई 2 यहाँ आपके पास कांस्टेंट इनटू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब देखिए जो a है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो मैंने यहाँ 4 डाल, यहाँ ये आपके पास 4 है 4 डाल दिया रिजल्ट, और ये रिजल्ट क्या मिल गया 1 बाई 8 tan इनवर्स आपके पास x बाई 4 प्लस c, ये आपके पास क्या चुका है आपका रिजल्ट आ चुका है। जरा एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखना, यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपके पास कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा, हिंट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपके पास secant square x divided by under root tan square x plus 4 यह आपके पास वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है secant square x dx divided by under root tan square x plus 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकता हूँ, किसका बेटा सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन में क्या है आपके पास सिंपली बेटा ध्यान से देखना, यदि किसी वैल्यू को मुझे देखो यहाँ आपके पास डायरेक्ट x नहीं है, यहाँ आपके पास tan है, देखो tan x का होल स्क्वायर लिखा है इसको, तो जब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो एक आर्बिट्रेरी जो अलग आपके पास वैल्यू है उसमें मैं चेंज करूंगा, तो मैं यहाँ पुट करूंगा जो tan x है इसको मैंने 3 पुट किया, क्यों पुट किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव है वो सिंगल dx में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है ऊपर किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव डिवाइड बाय वैल्यू का स्क्वायर माइनस या प्लस उस वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ tan है, tan का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डेरिवेटिव बोथ साइड किया secant square dx ये क्या बन जाएगा dt। अब वैल्यू का कन्वर्जन देखिए क्या है dt डिवाइड बाय अंडर रूट ये क्या है आपके पास t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बात बन गई ना, हमें तो कोई x की थोड़ी आदत है, हमें तो वैल्यू का डेरिवेटिव चाहिए नीचे उसका स्क्वायर के अंदर आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अब ये आपके पास कन्वर्जन आपका इंटीग्रेशन i का हो चुका है। अब dt डिवाइड बाय ये बनेगा तो ये किसके बराबर आपके पास log ऑफ t प्लस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, यही है। अब t है तो t की जगह पे अपनी वैल्यू डाल दीजिए, क्या थी आपके पास t की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास थी tan x प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c आपके पास सिंपल आंसर आ चुका है। हम डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते,
मैथ में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए है कि आएगा तो रिजल्ट चाहिए नहीं, बट हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इसको, इसको हमें सोल्व करना होगा। अब जैसे एक और टाइप देखिए, इफ आई इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स डिवाइड बाई 4x² - 25, ठीक है। अब मुझे यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्या है, चार, तो चार से मुझे डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, और अब ये 4 है ना, ये आपके पास कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर, ये क्या बनेगा, डी एक्स डिवाइड बाई 4 से 4 कैंसिल x² 25/4 को हम 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x² - a² आया है तो क्या बनता है, 1/2 a, a कितना है 5/2, log of x - 5/2 divide by x + 5/2 plus आपके पास c, LCM लीजिए यहाँ से, LCM 2 से 2 cancel, तो 1/20 log of आपके पास क्या मिलेगा, 2x - 5 divide by 2x + 5 plus arbitrary constant c। तो बेटा इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं, यहाँ आगे और टाइप्स जो आएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच।